दोस्तों नाम है मेरे मानस, टाइटल आपने देख लिया होगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले ओप्पो पैड की लॉन्च डेट की। तो ये जो पैड है, ये ओप्पो पैड एयर, ये लॉन्च होने वाला है 23rd of May को चाइना में। अब बात करते हैं इसकी स्पेसिफिकेशन की, पर उससे पहले अगर आप नए आए हैं इस चैनल पे और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। क्या कर रहे हैं आप लोग, रोज़ मैं आप लोग कंटेंट प्रोवाइड कर रहा हूँ तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं टारगेट करता हूँ 400 सब्सक्राइबर का, काफ़ी जल्दी हो जाए, तो देखते हैं कितनी जल्दी होते हैं। तो अब बात करते हैं ओप्पो पैड एयर की स्पेसिफिकेशन की। तो यहाँ पे आपको 10.36 इंच की फुल एचडी प्लस वाली 60 हर्ट्ज की एलसीडी डिस्प्ले देखने को मिलेगी। तो ये एमोलेड पैनल नहीं होने वाला और साथ में आपको यहाँ पे हाई रिफ्रेश रेट देखने को नहीं मिलेगा। तो मेरे हिसाब से एक चीज़ तो होनी चाहिए थी, या फिर एमोलेड हो जाता या फिर हाई रिफ्रेश रेट हो जाता तो अच्छी बात होती। अब बात करते हैं इसके प्रोसेसर की। तो यहाँ पे आपको स्नैपड्रैगन 680 वाला SoC देखने को मिलेगा। ये जो प्रोसेसर है मैंने और कहीं भी सुना हुआ है रियलमी पैड में। हाँ वही होता है जो आप लोग जानते हैं, रीब्रांडिंग रीनेमिंग सब। अब बात करते हैं इसके कैमरा की। तो यहाँ पे आपको 8 मेगापिक्सल का रियर कैमरा देखने को मिलेगा और फ्रंट में आपको 5 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा देखने को मिलने वाला है। अब बात करते हैं इसकी बैटरी और चार्जिंग की। तो यहाँ पे आपको 7100 mAh की बैटरी मिलेगी और 18W की चार्जिंग सपोर्ट मिलेगी। 18W मेरे हिसाब से कम लग रही है, 33W तो होनी ही चाहिए ना। बात करते हैं इसकी थिकनेस की। तो 6.94 mm इस टैब की थिकनेस होने वाली है। अब बात करते हैं इसके रैम और स्टोरेज वेरिएंट की। तो ये 3 वेरिएंट साथ लॉन्च होने वाला है, 4GB RAM 64GB स्टोरेज, 4GB RAM 128GB स्टोरेज एंड 6GB RAM 128GB स्टोरेज। साथ में बात करते हैं इसके कलर्स की। तो ये 2 कलर्स में लॉन्च होने वाला है, एक फॉग ग्रे कलर और एक स्टार सिल्वर कलर, मींस तारा चांदी, बढ़िया है। तो ये है स्पेसिफिकेशन ओप्पो पैड एयर की। अब देखते हैं ये जो पैड है इंडिया में कब तक लॉन्च होता है, क्या प्राइसिंग निकल के आती है, तो आपको थोड़े टाइम में ही पता चलेगा। तो इतना ही था इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में जो बेल नोटिफिकेशन आइकन है उसको भी प्रेस कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन जय हिंद।